यूट्यूब चैनल। आज जो वीडियो बनाने वाली हूँ क्लास 12 का सिंपल कोनिकल प्रोजेक्शन विथ स्टैंडर्ड वेरल। सो क्या होती है कि एक संख होती है, वहाँ पे जैसे कोनिकल उसको अगर काट दिया जाए तो इस प्रकार की होती है। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बात करते हैं। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड क्या होती है, ईस्ट वेस्ट में होती है। यहाँ पे जो मिडिल है इक्वेटर होती है। अब इसका लेंथ कितना होता है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 90 डिग्री नॉर्थ पोल में है और -90 डिग्री साउथ पोल में है। अब लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड क्या होती है, नॉर्थ से साउथ इस प्रकार से होती है। और ये जो होता है ये मीडियन, मीडियन ठीक है। इसके बाद देखिए इसका एक्सटेंशन कितना होता है, 0 से 180 डिग्री और यहाँ पे -180 डिग्री होती है। सो बेसिकली लैटिट्यूड कितना होता है 180 और लॉन्गिट्यूड जो टोटल होती है वो 360 इस प्रकार से होती थी। डायरेक्शन इस टाइप से डायरेक्शन होते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। आप क्या होता है कि कॉर्नर जो है वो इस प्रकार से होती है। रहा कॉनिकल प्रोजेक्शन, तो ये दो टाइप से होती है, एक मैथमेटिकली और दूसरा तो ग्राफिकली। तो मैं यहाँ पे आपको ग्राफिकली समझाने वाली हूँ, तो सिंपल और इजी टाइप से जो आप एग्जाम में कर पाओगे। तो क्वेश्चन पैटर्न देखिए किस प्रकार की होती है। यहाँ पे मेनली जो क्वेश्चन होती है इस प्रकार की, क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ ग्राफिकल्स ऑफ सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन विथ वन स्टैंडर्ड पैरेलल फ्रॉम द मैप यूरोप एक्सटेंडिंग फ्रॉम 35 डिग्री नॉर्थ टू 75 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड 20 डिग्री वेस्ट टू 60 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। इंटरवल कितना है, 10 डिग्री है। RF 1:60000000। सो इस प्रकार की होती है। पैटर्न जो है वो बोल चुकी हूँ। अब है कैलकुलेशन के बारी। अब कैलकुलेशन में क्या करना है, यहाँ पे रेडियस ऑफ द रेडियस अर्थ और ग्लोब की जो जनरेटर है वो क्या होती है, इसका फॉर्मूला एक्चुअल रेडियस ऑफ द अर्थ बाय डिनोमिनेटर, और क्या लिख सकते हो, एक्चुअल रेडियस ऑफ द अर्थ इनटू आर। इस प्रकार से आप फॉर्मूला पुट करो 64 और 70 इनटू आर। आप इसको लिखो, देन इसको कट करने के बाद कितना होता है, 10.6667 सेंटीमीटर आती है। अब देखिए लैटिट्यूड के बारे। अब लैटिट्यूड में क्या करना है, स्टैंडर्ड पैरेलल ढूंढना है। तो स्टैंडर्ड पैरेलल लिखो, देन यहाँ पे जो एक्सटेंशन दिया है कितना है, 35 डिग्री नॉर्थ से लेकर 75 डिग्री नॉर्थ। आप किस टाइप से लोगे, ईस्ट और वेस्ट तरफ से है, हॉरिजॉन्टली होती है, तो आप इस टाइप से इसको प्लॉट कर लो। देखिए मिडिल जो है 55 है, इसका एक फॉर्मूला भी होती है, क्या होगी, हाईएस्ट और लोएस्ट डिवाइडेड बाय 2। सो हाईएस्ट कितना है, 75 डिग्री नॉर्थ प्लस 35 डिग्री नॉर्थ डिवाइडेड बाय 2। इसको ऐड करके कट करने से कितना होता है, 55 डिग्री नॉर्थ होती है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे, जो बेसिकली निकालना होता है वो है सेंट्रल मेरिडियन। अब सेंट्रल मेरिडियन निकालने के लिए जो लॉन्गिट्यूड होती है वो नॉर्थ साउथ होती है, तो आपको सेंट्रल मेरिडियन लिखो, देन वहाँ का जो एक्सटेंशन है वो लिखना होता है, कितना है, 20 डिग्री वेस्ट से लेकर 60 डिग्री ईस्ट तक। आप इसको ठीक उस प्रकार से करो, कितना होता है, वर्टिकली होती है, देखिए 20 डिग्री से लेकर आपको 60 डिग्री ईस्ट लिखना है। अब देखिए यहाँ का जो मेनली मिडिल है वो कितना होता है, देखिए 20 डिग्री है। आप इसका प्लॉट करने के लिए भी एक फॉर्मूला होती है, यहाँ पे जो फर्स्ट और लास्ट होती है इसको ऐड करो, करके डिवाइड बाय 2 करो, क्योंकि ये जो वेस्ट होती है नेगेटिव होती है, तो नेगेटिव बैठाओ, 20 डिग्री नेगेटिव प्लस 60 डिग्री ईस्ट डिवाइडेड बाय 2। अब इसको कट करके कैलकुलेशन करके 20 डिग्री ईस्ट ही होती है। ये हो गया पूरा कैलकुलेशन पार्ट। आप चलिए इसको प्लॉट करके देखते, तो आपको कुछ इस प्रकार की एक पेपर लेना है जहाँ पर 2 पेज लगना चाहिए। ये जो 3 कैलकुलेशन हमने निकाला तो उसको प्लॉट करना है। आप इसको
नीचे की तरफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन लो, उसके बाद ये जो कॉर्नर है यहाँ पे प्रोटेक्टर बैठाओ, फिर 90 डिग्री का एक कोण ड्रॉ करो तो पूरा। इसके बाद आपको जो लेंथ मिला हॉरिजॉन्टली वो कितना होना चाहिए, 10.67। तो आप पहले इसको स्केल में मेजरमेंट कर लो पॉइंट करके, फिर क्या करना है आपको कांटा कंपास बैठा के एक सर्कल ड्रॉ करना है। अब देखिए यहाँ पे कनेक्ट नहीं हुआ, इसको बड़ा करके ड्रॉ करो, लाइन जो है पूरा स्ट्रेट कर दो। इसके बाद देखिए इंटरवल की बारी, इंटरवल कितना है 10, सो प्रोटेक्टर बैठाएंगे और 10 डिग्री का इंटरवल हम लेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 55 डिग्री जो स्टैंडर्ड पैरेलल है वो भी हम करेंगे, तो प्रोटेक्टर में इंटरवल 10 है तो 55 तक हम काउंट करेंगे, तो मिडिल में होगा, तो ये दोनों लाइन को हम ज्वाइन कर देंगे इस प्रकार से। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो मिडिल वाला है ये पॉइंट, यहाँ पे हम क्या करेंगे प्रोटेक्टर बैठा के 0 डिग्री का जो एंगल होती है यहाँ पे एक पैरेलली लाइन ड्रॉ करेंगे, तीनों पॉइंट जो है वो याद होना चाहिए। इस प्रकार से होने के बाद आप स्केल बैठाओ, स्केल बैठाने के बाद जो 55 डिग्री जो एंगल है वहाँ से लेकर ऊपर तक का डिस्टेंस आपको मापना है, 9 point something है। इसको आप दूसरा जो पेज है वहाँ पे वर्टिकली कुछ इस प्रकार से करना है, फिर उसको मेज़र कर लो जितना है कितना सेंटीमीटर 9 point है। उसके ऊपर एक कांटा कंपास से आप इस प्रकार से एक वृत्तचाप जो है वो करो, उसके बाद देखिए इंटरवल कितना है 10 डिग्री को मेज़र करो, फिर वो जो ये है यहाँ पे ऊपर में 2 कट करो नीचे 2 कट करो एकदम इक्वल। आप जो ऊपर का जो पॉइंट है उसको सेम पैरेलली आप इस प्रकार से जो वृत्तचाप होती है वो ड्रॉ करो कुछ इस प्रकार से चारों को। इक्वल डिवीजन के बाद स्टैंडर्ड पैरेलल और मेरिडियन जो है वो आप लिखो। तो इसके बाद क्या करना है आप देखिए, जो 10 डिग्री का इंटरवल लिया है उसको कांटा कंपास से मापो, फिर केंद्र में जाके एक वृत्तचाप ड्रॉ करो। अब ये जो पोर्शन है ये जो दिख रही है आपको छोटा सा, सेम वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसी के पैरेलल में आपको ये ड्रॉ करना है। अब इसको मापो, फिर जाके आपको क्या करना है ये जो दो साइड में होती है एक कट करो, कितना होता है आपका 4 करके है, तो आप एक ही इक्वल में 4 कट करो। अब क्या है आपको सेंटर से लेकर एंड तक इस प्रकार से, अब क्या है कि वो जो जितना होता है पहले आप डॉट डॉट कर लो, फिर जो मतलब वृत्तचाप है वहाँ पे आप स्ट्रेट ड्रॉ करो कुछ इस प्रकार की। अब पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद आपको एक्सटेंशन जो है वो लिखना है। यहाँ पे मेनली लैटिट्यूड पहले लिख लीजिए जो जो है, देन लॉन्गिट्यूड एक एक करके आप लिखो। पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद आप पेन से भी फेयर करके बाकी सब इरेज कर सकते। अब जो जहाँ से सर्कल ड्रॉ किया है वो पॉइंट जो मिला उसको पॉइंट दो राउंड बनाओ, फिर वी लिखो, वी मतलब वर्टेक्स। देन क्या करना है अब हेडिंग के बारे, हेडिंग है सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन विथ 1 स्टैंडर्ड पैरेलल। उसके बाद अब आते हैं स्केल के बारे, स्केल में क्या करना होता है एक आपको ग्राफिकल स्केल बनाना होता है 1 centimeter करके जो लीनियर टाइप का होता है, वहाँ पे आप आरएफ जो है वो आप प्लॉट करो, तो इस प्रकार से एक स्केल बनाओ। उसके बाद देखिए क्या बनाना होता है, अब बगल वाली साइड में क्या लिखना है एक्सटेंशन मतलब कितना से कितना है, और स्टैंडर्ड पैरेलल और मेरिडियन जो है वो भी मेंशन कर दो इस प्रकार से। अब ये कंप्लीट हो जाने के बाद आप इसके ऊपर अच्छे से सुंदर से सजाने के लिए एक बाउंड्री डाल सकते हो। इसके मदद से आप पूरा कॉनिकल हिल ड्रॉ किया है, अब इसका नामकरण करेंगे। ए 10 डिग्री है और ए 55 डिग्री एंगल है, ये कितना है रेडियस 10.6667 सेंटीमीटर है। ए जो है ए है लॉन्गिट्यूडिनल एक एक लाइन है, ए है सेंट्रल मेरिडियन डिवीजन लेंथ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे रेडियस ऑफ स्टैंडर्ड पैरेलल की लेंथ है, ए वाला क्या है एक एक
लैटिट्यूड की लेंथ है पूरा कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन ये वाला जो कॉनिकल प्रोजेक्शन है यहाँ पे मेनली यूरोप का मैप ड्रॉ किया जाता है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल कॉपी में अगर करना होता है तो आप इस प्रकार से मैप को उठाओ, फिर इसको हाईलाइट करो, कलर करो। लेकिन 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 एग्ज़ाम में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको और एक बात बताती हूँ जो मेनली स्टूडेंट लोग सबसे ज़्यादा भूल करती है। ये जो है मेनली नॉर्थ वाला कॉनिकल हिल है यहाँ पे। तो क्या करना होता है, जो सर्कल आप ड्रॉ करोगे ऊपर में, ऊपर से लेकर ऊपर में पॉइंट करके फिर वृत्तचाप बनाना होता है। अब देखिए ए हो गया नॉर्थ का, लेकिन साउथ ठीक उसका उल्टा होता है, जहाँ पे कांटा कंपास मेनली नीचे के तरफ बैठा के फिर वृत्तचाप ड्रॉ करना होता है जो पिक्चर में दिया हुआ है। अब देखिए ये पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाने के बाद हेडिंग में थोड़ा सा ऐड करना है, क्योंकि यूरोप ऑन लिखना है। इस प्रकार से कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कॉमेंट और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।